अपनी प्रतिभाओं को जानना, पहचानना, उनका उपयोग करना बड़ा आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए अपने समय को, समय की कीमत को। हाथ में आया हुआ समय दोबारा मिलेगा नहीं। एक एक क्षण कीमती है। एक एक क्षण का मतलब हुआ कि समय से आपकी जिंदगी बनी है, समय से आपकी जिंदगी बनी है। जब आप समय खराब कर रहे होते हैं तो अपनी उम्र खराब कर रहे हैं, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। जब आप गलत लोगों के साथ बैठकर अपना टाइम खराब कर रहे होते हैं तो उसका मतलब है टाइम किल नहीं कर रहे, टाइम नहीं मार रहे हैं, आप खुद को मार रहे हो। और वो आदमी जो खुद को मार रहा हो तो वो तो खुद का दुश्मन है। और जो अपने वक्त की कद्र करता है तो उसका मतलब वो जिंदगी की कद्र करता है। और जो अपने समय को संभाल लेता है, उसका उपयोग करता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान ने जो टैलेंट दिया है, भले थोड़ा है, लगातार के अभ्यास से अपने टैलेंट को विकसित करेगा। बहुत सारे बहुत अधिक टैलेंटेड होते हैं, बहुत बुद्धिमत्ता वाले लोग होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, लेकिन आलसी होते हैं, लापरवाह होते हैं, तो उनकी प्रतिभा काम नहीं आती। लेकिन जो लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, वो थोड़ी प्रतिभा वाले लोग भी दुनिया में ज़्यादा नाम कमाते हैं, ज़्यादा फल प्राप्त करते हैं, ज़्यादा सफलता से जीते हैं। इसलिए टैलेंट जितना भी है वो भले ही 2% हो, 98% आदमी की मेहनत ही उसे आगे लेकर जाती है। तो अपनी प्रतिभा का विकास यदि करना चाहते हैं तो निरंतर अभ्यास और निरंतर प्रयास जारी रहना चाहिए। और ये भी, अपने टैलेंट को पहचाने कि तुम कम नहीं हो। अपने आप को दीनहीन छोटा करके मत मानो। भगवान ने बहुत कुछ आपको दूसरों से बेहतर दिया है, दूसरों से अच्छा दिया है। अगर आप उसका विकास करेंगे तो उसी के माध्यम से आप अपनी दुनिया में पहचान बना लेंगे। और अपनी पहचान बनाए बिना मरना नहीं चाहिए। अपनी पहचान बनाओ, अपने ढंग से अपना काम करो, और जो भी आप कर रहे हैं उस पर भरोसा रखें कि मैं इसके माध्यम से अपने चरम तक जरूर पहुंचूंगा। और विश्वास रखेंगे, भगवान की भक्ति साथ में करेंगे, बात तो बनेगी। लेकिन एक काम और करना चाहिए, आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की जो हमारी आग है वो थोड़े समय के बाद में बुझने लग जाती है। शुरू कर लेंगे लेकिन आगे नहीं जा पाएंगे। आपको ये करना चाहिए कि अपनी उस आग को जिंदा रखें, उसमें ईंधन डालते रहें। तो इसलिए पढ़ना, ऐसी चीजें पढ़ना, ऐसी चीजें जानना, ऐसे विचारों से जुड़ना जो आपकी आग को और बढ़ाए। और उसका परिणाम ये होगा, आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अपनी प्रतिभा को विकसित कर पाएंगे। इसलिए लगातार अपने आप को दोहराते रहें कि मेरे अंदर ये गुण हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, इनको मैंने और विकसित करना है। अगर ऐसा करते रहे तो बढ़ोगे। और अगर आप जो है कि जो होना था हो गया, जो मिलना था मिल गया, भगवान ने जो देना है वो देगा, जो नहीं देना है तो वो नहीं देगा। इसलिए आगे ज़्यादा हाथ पांव मारना कोई ठीक नहीं है। जो हो गया ठीक है, बस इसमें सब्र कर लेना। जो ऐसे सोचते हैं वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बन पाते। और बड़ी दुखद बात यह है कि जगह जगह मैं एक वाक्य लिखा हुआ देखता हूँ, लोग उसको पकड़ करके बैठ जाते हैं, जो कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। आपने देख लिया, पढ़ लिया इसको, तो क्या समझ में आया? जब कोई चीज़ मिलने वाली होगी तब मिलेगी, टाइम से पहले मिलने वाली है ही नहीं। और जो किस्मत में है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। तो फिर तो जो मिलना है वही मिलेगा, कुछ करने की, हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है। तो ये निकम्मापन पैदा करने के लिए ये बहुत सुंदर वाक्य है। ये अगर अपने को निकम्मा बनाना है ना, तो इसे पढ़ो और रटो और सोच लो बस यही होना था, हो गया। और अगर आपको लगता है कि इससे उलट भी कुछ है तो समय को झुकाना सीखिए, समय को बदलना सीखिए। और कहते हैं भाग्य के अनुरूप ही मिलेगा,
तो भाग्य के अनुरूप नहीं, आपके कर्म और आपकी योग्यता के और कृपा के अनुरूप मिलेगा। ये तीनों चीज़ें जीवन में जोड़ने की कोशिश कीजिए। अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखिए। आप अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकते हैं। ठीक है कि किस्मत बीच में आती है, आड़े आती है, घटनाएं घट जाती हैं, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, आदमी का चलना फिरना ही बंद हो जाए, खाना पीना बंद हो जाए, सहारा ना मिले, बेसहारा हो जाए, लेकिन जिसके अंदर वो आग जिंदा रहती है वो उस अवस्था में भी उठता है, खड़ा होता है और करता है काम। ऐसे लोग हुए दुनिया में जिनको परिस्थितियों ने तोड़ के रख दिया, दोबारा खड़े हुए, फिर काम किया और फिर वहाँ पहुँच गए। उन्होंने वहाँ पहुँच के दिखाया। अपनी हिम्मत को नहीं टूटने देना चाहिए। तो ये एक शक्ति है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने टैलेंट को बढ़ाएं, लगातार प्रयास करें, जानना और सीखना रुकने नहीं देना चाहिए।